हिसार में आज सर्व कर्मचारी संघ, आशा वर्कर यूनियन और सीआईटीयू के कर्मचारियों ने फव्वारा चौक पर केंद्र सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर किया। इस दौरान गुस्साए कर्मचारियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पुतला फूंका। सीआईटीयू के सचिव सुरेश कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने मांग की कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और समान काम समान वेतन भी लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर कई दिनों से धरने पर बैठी हैं और उनकी भी यही मांग है कि उनको न्यूनतम वेतन 24,000 रुपए दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार को अब चेतावनी भी दे दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो देश में एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। जो मोदी की सरकार ने जो बजट पेश किया है स्कीम वर्करों का, उसमें नाम तक भी नहीं लिया। बजट के नाम तो दूसरे, बजट तो दूसरा काम है, इनका नाम तक नहीं लिया कि ये स्कीम वर्करें जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लड़ाई हम लड़ेंगे, देश के स्तर की मीटिंग हमारी स्कीम वर्करों की होने वाली है 5-7 दिन के अंदर, उसमें योजना बनेगी, अलग अलग आंदोलन भी चलेंगे, ज्वाइंट भी चलेंगे, हरियाणा स्तर पर भी चलेंगे, उसकी पूरी हम योजना राज्य कमेटी की मीटिंग में बनाएंगे और उसके अनुसार जो भी फैसला हमारी कमेटी लेगी उसके अनुसार हम आंदोलन शुरुआत करेंगे। सत्य खबर के लिए हिसार से विनोद सैनी की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।